हम पूजा बंसल स्लिम फिट डाइट केयर से। आज मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको मेरे क्लाइंट ललित गोयल जी से। इन्होंने मेरे पास डाइट प्रोग्राम ज्वाइन किया था लगभग 6 हफ्ते पहले, 6 वीक बिफोर। तब इन्होंने जब ज्वाइन किया था इनका वेट था 145 kg, 700 ग्राम। हाँ जी ललित जी, कितना ओके, वेट था? 1:45. 1:45, 700। और अभी आज इनके 6 हफ्ते पूरे हो गए हैं डाइट प्लान को लेते हुए। तो ललित जी, आज का वेट आपका 1:35. 1:35, 700, यानी कि 10 किलो। 10 किलो वेट ललित जी का हमारे यहाँ पर अभी विद इन 6 वीक कम हुआ है। और ललित जी और ललित जी के ये भाभी हैं, तो ये कैसा लोग लग रहा है? काफी खुश हैं। भाभी, आप इनके बारे में बताएंगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें. इनका वजन जा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं भैया भी और मैडम भी, और सब मिलके अच्छा से कर रहे हैं. कैसा लग ना रहा है आपको? बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा फीलिंग है जी. है, पहले से मतलब फिटनेस ज्यादा है शरीर में, भूखा नहीं रहना भूखा पड़ता, नहीं रहना पड़ता, पूरा खुआ पिया गया जी. पूरा खिलाते हाँ हैं. जी, तो डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे पास जो टारगेट है ललित जी का, कि ललित जी को 80 kg पे लाना है, तो 65 kg का हमारे पास टारगेट है। 65 kg हमने कम करना है। ललित जी अगर मेरा साथ देंगे तो 65 kg हम डेफिनेटली कम करेंगे। और इसमें इनकी भाभी इनका पूरा साथ दे रही हैं डाइट प्लान को कंटिन्यू कराने में। तो ललित जी, आपको किसी तरह की कोई वीकनेस फील कोई होती है? कमजोरी नहीं है, कमजोरी नहीं शरीर फिलहाल. पे फिटनेस है जी. और अभी आप वॉक वगैरह कर रहे हैं हाँ जी, पूरा घुमाई मॉर्निंग फूरी वॉक? बस सारी चीज. पहले जब आप मेरे पास आए थे तब क्या आप वॉक कर लेते थे? थक हाँ, जब तक था जी, परंतु ज्यादा लगभग मैं थक जाता था, चला नहीं जाता था. चला चल नहीं जाते जाता थे, और अब था. अब नहीं, ठीक है जी, कोई दिक्कत अब नहीं. बिल्कुल ठीक है। कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हाँ, हैं? डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं जी. डेली एक्सरसाइज भी करते हैं। और डाइट प्लान के साथ में कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई सही प्रॉब्लम खुआ नहीं? पिया तो के बढ़िया खाना आप है. दूसरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो डाइट लेनी चाहिए जी आदमी को, बढ़िया आपका खाना, रंग भी साफ हुआ साफ पहले से? सिस्टम बनाया जी, पहले से बढ़िया. रंग रंग कैसा लगता है आपको? रंग में भी फर्क पड़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को चमक पता आ लग रही है रहा है चेहरे वैसे वैसे पता लग रहा है लोग के भाई, पहले से कुछ फर्क पड़ गया, कपड़े खुले हो गए, सिस्टम हो गया, वो चीज़ सारी. पे. आपके मिलने वाले जानकार जो रिश्तेदार सब जानकार अभी मिलते हैं वो कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, अभी तेरे पे कपड़े कितने खुले हो गए यार, फर्क पड़ फर्क रहा है, फर्क पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, अच्छा लगता है अच्छा आपको? लगता है जी पहले से. ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू मुकेश जी। यू. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरे एक क्लाइंट मिस्टर ललित गोयल, जो कि सिरसा से ही बिलोंग करते हैं। आज हम ललित जी से पूछते हैं कि इनको डाइट करके कैसा लग रहा है। ललित जी, आप बताइए, आप कितने टाइम से मेरे पास आ रहे हैं? मैं 5 महीने से आ रहा हूँ जी, लगभग 5 महीने से आ रहे पांच हैं? महीने से 5 महीने में आपका कुछ वेट कम हुआ है? मेरा 5 महीने में 23 किलो वजन कम हुआ है. 23 किलो वेट कम हाँ हो जी, गया है ललित जी का? 23 किलो वेट 5 मंथ्स में कम हुआ है। ललित जी, आपको वेट कम करके अब कैसा लग रहा है? मैडम बढ़िया रिलैक्स है जी. पहले मैं बैठे बैठे सो जाता था जी, अब वो चक्कर नहीं है जी. मैं शरीर में एनर्जी आने लग रही है पहले से. एनर्जी आ हाँ रही जी, है आपको, एक्टिविटी बस फील हो रही एक्टिविटी है? फील हो रही है जी. जो भी देखता है ना वो कहता है भाई साहब शरीर बढ़िया कर लिया, ऐसे ही रहना और फिट रहना. और आपका कोई कॉम्प्लेक्शन, स्किन के ग्लो में कोई चेंज आया हो? मेरा पहले रंग थोड़ा काला सा पड़ रहा था जी मोटे के कारण, अब वो सिस्टम नहीं है, अब बल्कि रंग भी साफ होने लगे, फेयर होने लग रहे हैं, कलर में भी आपको कलर में शाइन फील फेयर हो रहा फेयर हो है? रहे जी. ओके। और घर वाले या शादी फंक्शन कहीं भी जाते हो तो जाते आपको सारी सब सारी दुनिया कैसे कहती कमेंट है, दे? सारी दुनिया कहती है जी क्या पहले से बहुत बड़ी हो रहे भाई साहब, ये चीज मत छोड़ना, आप मैडम को मत छोड़ना, बढ़िया सिस्टम है जी. ओके। भूखा डाइट रहना पड़ता आपको? नहीं, भूखा नहीं, फुल खुआ के जी सिस्टम है जी, कोई भूख नहीं मरना पड़ता जी, तो बढ़िया लोग खाते हैं. लोग कहते हैं कि डाइट का मतलब, डाइटिंग का मतलब भूखा रहना होता नहीं है। मैडम, मैडम बढ़िया खाती है जी, बढ़िया डोसे वगैरह सब सब सारी चीज खाती है, बढ़िया सिस्टम खाती है किस मैडम. टाइप का खाना खा रहे हो आप? मैं दिन में तो जी चपाती खाते हैं जी, सब भिंडी सब्जी सब्जी कुछ मर्जी कितना मर्जी खाओ जी, कोई टेंशन नहीं है जी, कितना बढ़िया, मर्जी खाओ, कोई रोक मैडम नहीं आपको है, खाने के कोई लिए रोक मना टोक नहीं नहीं है करते हैं? मैडम. ऐसे नहीं कहते, मैडम कहते बाजार का बंद है सारा सिस्टम, बाकी कोई सिस्टम नहीं है जी, बाकी कोई सिस्टम कुछ. बंद नहीं है, हाँ, मतलब आपको भूख डाइट लगे करके। एक बार में एक पैकेट खा लो जी, भूख लगे कोई चीज की एक बार में एक पैकेट खा लो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, वजन घटता है जी, बदता नहीं है जी, ओके, एक फिर बात. भी वजन घट रहा है, हाँ जी, मतलब घट अभी आपको ये लग रहा है कि मैं खूब खा के भी वजन हाँ, घटा खूब रहा खा के हूँ? वजन घटा रहा हूँ जी. अब काम करने में मन लगता है आपका? हाँ जी, फिटनेस सीढ़ी पूरे शरीर में जी. सीढ़ियां वगैरह चढ़ने उतरने आप में कोई पहले दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पहले सांस भर जाता था जी, हाँ कोई जब सिस्टम पहले नहीं आप है. आए थे जब आपने बताया हाँ था भाई, नहीं बैठे बैठे नहीं आए थे, वो चक्कर नहीं है जी. सांस नहीं तो भरता. आपका पहले जब आए थे कितना वजन था? मेरा जब था 1 क्विंटल 46 किलो 700 ग्राम, और ठीक है, आज कितना वजन है? आज 1 क्विंटल 23 किलो 700 ग्राम, 23 किलो वजन कम हुआ जी. 146 किलो 700 ग्राम से 123 किलो 700 ग्राम पे आज हमारे ललित जी आए, और वो बहुत खुश हैं। तभी मैं चाहती थी कि मैं इनको दर्शकों से मिलवाऊं एक बार। तो ललित जी, आप दूसरे लोग जिनका वेट ज्यादा है, आप उनके लिए कोई संदेश देना मैं चाहेंगे? कहता हूँ जी मैडम के डाइट प्लान लेना स्टार्ट करो. आज एक आदमी फेरी काट रहा था सारा सदर मंदिर में, मैं उसको कहना चाहता था भाई साहब तू भी पूजा मैडम के पास जाके डाइट लेके आ, मेरे से सही हो जाएगा तू भी.
ओके मतलब अब आप दूसरों को अगर ओवरवेट देखते हैं तो आपका मन मन करता है कि करता है मैं उनको मोटिवेट मैडम को करूं। करूं कि मैडम के पास उसको बताऊं कि भाई मैडम के पास जाओ और तो आप वेट दूसरों को कराओ। बताते भी हैं? हाँ जी बताते भी। ओके थैंक यू सो मच। हाँ जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है जब हमें इस टाइप में हमारे क्लाइंट्स जब मोटिवेट करते हैं और हमारे काम को बहुत एनकरेज करते हैं। देखो दूसरे क्लाइंट्स को भी बोलना कहना मोटिवेट करना ये भी अपने आप में एक सोशल वर्क भी है। और इनको पहले जो प्रॉब्लम्स थी अब इनको लगता है कि दूसरे ओवरवेट वाले बंदे को वो प्रॉब्लम्स अगर हैं और वो डाइट लेने से सॉल्व हो सकती हैं तो इट्स गुड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।